तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मार्केट में मौजूद जितने भी आईपीओ हैं सभी के हम लोग जीएमपी प्राइस के बारे में जानेंगे। इसके साथ हम ये भी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इन आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से आप कितना प्रॉफिट अर्न यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ का जीएमपी प्राइस चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना मनी मिंट आइडिया। जैसे आप मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस टूडे, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट के अंदर जितने भी आईपीओ मौजूद रहेंगे सभी के आपको यहाँ पे जीएमपी प्राइस पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे पहली कंपनी की बात करें तो वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच ओपन हुआ था। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 21 रुपए चल रहा है। 172 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लोट के अंदर आपको 87 शेयर मिले होंगे। 24 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। जीएमपी के हिसाब से एक लोट के अंदर 1827 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें 193 रुपए के आसपास की आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगर इसके जीएमपी मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो जीएमपी प्राइस स्टार्ट हुआ था वो 56 रुपए से हुआ था, फिर 56 रुपए रहा, 56 रुपए रहा, 61 हुआ, 61 हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 51 के बाद सीधा सीधा इसका 21 आना जीएमपी प्राइस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई जीएमपी प्राइस अपना स्टार्टिंग पॉइंट कवर करता है तो उसके ऊपर ऊपर उसने ट्रेड करते रहना चाहिए। अगर उससे जीएमपी प्राइस नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के जो पॉलिसीज रहती है उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, उनके अंदर मार्केट को लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको जीएमपी प्राइस के अंदर करेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी गिरावट होते हमें नजर आ रही है। तो इस आईपीओ के अंदर सीधे से हमको दिख रहा है कि अगर आपको इसके अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनते नजर नहीं आएगा। बट एक बार आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इन बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म करता है आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है। बट अभी के टाइम में आप देखेंगे तो जो हमारे पैरामीटर्स है ये आईपीओ उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपने इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको यहाँ पे बुक कर लेना है, इसके अंदर उतना पैसा नहीं बनेगा। अगर आपने किसी ऐसे में आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी ऐसे में आईपीओ का जीएमपी प्राइस आपको पता चल जाएगा। मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर अक्रेडिट डेवलपर्स का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच ओपन हुआ था। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 61 रुपए चल रहा है। 128 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट के अंदर आपको 110 शेयर मिलेंगे। 24 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आज की डेट में जीएमपी के हिसाब से एक लोट के अंदर 6710 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें 190 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसके जीएमपी डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो जीएमपी प्राइस है इसमें हमें ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे तो 49 रुपीज से स्टार्ट हुआ है, 62 का इसने रेंज टच किया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 80 के प्लस ये गया। देन अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 61 रुपीज चल रहा है। किसी भी आईपीओ के जीएमपी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा उससे अगर नीचे कोई भी आईपीओ का जीएमपी प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर देता तो आप ये समझ जाइएगा कि उसके अंदर उतना लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको उसके अंदर वेट नहीं करना है, आपको प्री मार्केट के अंदर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको उसको बुक कर लेना है। लॉन्ग टाइम में ऐसे आईपीओ पैसा बना के नहीं देख सकते। तो अभी के टाइम में देखिए जो भी इसका जीएमबी प्राइस है उस हिसाब से अभी के टाइम में ऊपर चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन के ऊपर आपको ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अराउंड 5000 रुपए के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर नॉर्थन एआरसी कैपिटल्स का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच ओपन हुआ था। आज के डेट में इसका जीएमपी प्राइस 129 रुपए चल रहा है। 263 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लॉट के अंदर आपको 57 शेयर मिल रहे होंगे। 24 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आज के डेट में एक लॉट के अंदर 7353 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 392 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम इसका जीएमपी मॉनिटर्स करें तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे भी हमें सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए 14 सितंबर से इसका जीएमपी प्राइस स्टार्ट हो चुका था 120 रुपए के ऊपर। यहाँ पे देखिए 174 के ऊपर ये बना रहा, उसके बाद अभी आप देखेंगे तो 129 के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में ये घूमता रहेगा। बट अगर इससे नीचे जीएमपी प्राइस आ जाता 120 के नीचे तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना होगा। बट अभी के टाइम में इसका जीएमपी प्राइस ठीक चल रहा है। बट अभी हमने काफी आईपीओ के अंदर देखा है कि जीएमपी प्राइस के अंदर काफी ज्यादा करेक्शंस आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो फेड रिजर्व है उन्होंने अपने यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की।
किए, तो ब्याज दरों में जैसी कटौती होती है तो क्या होता है, मार्केट से पैसा निकल के बैंकिंग सेक्टर में जाने लगता है, जिसके कारण हमें थोड़े से कट नजर आ रहे हैं, बट ये कुछ ही टाइम के लिए होगा। इसके साथ ही एक और कंपनी है केनार हीट एक्सचेंजर, तो इसकी भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आते हुए हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो इशू है वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है, जिसके कारण इसके जीएमपी प्राइस में काफी ज्यादा हाइक लग रहा है और इस आईपीओ की काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के जो क्लाइंट है वो काफी बड़े हैं। इसके साथ ही मनबा फाइनेंस, तो इसकी भी डिमांड आते हमें नजर आएगी। बट अगर आप लिस्टिंग गेन की मदद से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो केनार के अंदर आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। आज के डेट में एक लोट के अंदर 14,560 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप किसी एसएमई आईपीओ का जीएमपी प्राइस चेक करना चाहते हैं तो मनी मिंट आईडिया के ऊपर सभी एसएमई आईपीओ और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ जीएमपी प्राइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक चटपट रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।